क्रिकेटर शेन वॉन ने लिज हर्ले से ब्रेकअप के रीजन का खुलासा करते हुए ह्यू ग्रांट के साथ लिज की फ्रेंडशिप को ब्रेकअप का रीजन बताया। शेन की माने तो लिज हर्ले की अपने एक्स के साथ अच्छी ट्यूनिंग थी, जिसकी वजह से वॉन अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। बता दें, वॉन और लिज 3 साल साथ रहने के बाद 2013 में अलग हो गए थे। पाकिस्तानी लेग स्पिनर यासिर शाह को डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 3 महीने के लिए बैन कर दिया है। अबू धाबी में 13 नवंबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए वनडे के दौरान यासिर का सैंपल लिया गया था। जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर ICC ने ये एक्शन लिया। 12वें सैग गेम्स में जबरदस्त शुरुआत करते हुए इंडियन प्लेयर्स ने पहले दिन 14 गोल्ड मेडल जीत लिए। इंडियंस का वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और रेसलिंग में दबदबा रहा। यही नहीं, रेसलिंग के सभी 5 गोल्ड मेडल इंडिया के ही खाते में आए। एलेक्स हेल्स के 99 रन और जोस बटलर की स्लॉग ओवर्स में खेली गई 28 बॉल में धुआंधार 48 रन की बदौलत इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को दूसरे वनडे में 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही उसने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। इंडियन गोल्फर SSP चौरसिया लियो पैलेस 21 म्यांमार ओपन के तीसरे राउंड में दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने इस राउंड में 68 का स्कोर किया। वो अब लीड लेने वाले साउथ अफ्रीका के शॉन नॉरिस से 7 शॉट पीछे हैं। नॉरिस ने तीसरे राउंड में शानदार परफॉर्म करते हुए 11 अंडर का स्कोर हासिल कर लिया। 7,000 मंथली कमाने वाले का बेटा अब इंडियन प्रीमियर लीग में करोड़ों कमाएगा। राजस्थान के क्रिकेटर नाथू सिंह को IPL 9 के ऑक्शन में 3.2 करोड़ रुपए की कीमत मिली। उन्हें नीता अंबानी की टीम मुंबई इंडियंस ने खरीदा। और जाते जाते आपको दिखाते हैं मोटिवेट करने वाले इस मस्कट ने एक फैन को पॉपकॉर्न उड़ेल कर दिया शर्मिंदा। स्पोर्ट्स बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग दैनिक भास्कर.com।